बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं आपको जैस्मिन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ। गोरी रंगत और खूबसूरती सबको अच्छी लगती है, लेकिन गोरी रंगत कोई महंगी महंगी प्रोडक्ट्स की मोहताज नहीं होती। इसीलिए आज मैं आपको आसान सी रेमेडी के बारे में बताऊंगी। ये एक जबरदस्त सी वाइटनिंग रेमेडी है, आम सी चीजों से रंग गोरा करने के लिए। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आप अपने घर में इस रेमेडी को बहुत आसानी से बना सकते हैं और अपना रंग गोरा कर सकते हैं। आज मैं आपको गंदुम के आटे से रंगत गोरी करने के बारे में बताऊंगी। आप गंदुम के आटे में ये कुछ चीजें मिलाकर लगा लें, आपकी रंगत गोरी हो जाएगी, यानी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आपकी रंगत इतनी गोरी हो जाएगी कि सब आपकी खूबसूरती का राज पूछेंगे, क्योंकि ये तो एक कॉमन सी बात है। अगर आप किसी सांवली रंगत वाली को अचानक से गोरी होती देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे और उससे उसकी गोरी रंगत का राज पूछेंगे। इसी तरह सब आपकी गोरी रंगत का भी राज पूछेंगे। तो गोरी रंगत हासिल करने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, इससे पहले कि मैं आपको आज की वीडियो के बारे में डिटेल से बताऊं, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में लगे घंटी के आइकॉन को दबा दें, भूलिएगा नहीं, ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये स्किन वाइटनिंग रेमेडी के लिए आपको गंदुम का आटा चाहिए, खालिस हल्दी चाहिए, एलोवेरा जेल और लीमू का रस। ये बहुत आम से इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपको घर में आसानी से मिल जाएंगे। सबसे पहले आपने करना ये है कि आप शीशे या प्लास्टिक की साफ प्याली ले लें, इसमें गंदुम का आटा डालें। गंदुम का आटा चाहिए आपको एक चम्मच। गंदुम का आटा आपने खालिस लेना है, चक्की वाला आटा लेना है आपने, थैले का आटा हरगिज नहीं लेना। चक्की वाले आटे में वो तमाम विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं। ये एक टोटल स्किन वाइटनिंग इंग्रेडिएंट है, ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। फिर इसमें लीमू का रस मिलाएं, आपने फ्रेश लीमू का रस मिलाना है। एक लीमू का आधा हिस्सा आपने इस आटे में डालना है। ये देखिए, आधे लीमू का रस मैंने इसमें आटे में डाल दिया है। बीज निकाल लें, आधा लीमू लेकर उसका रस निकाल कर इस आटे में डाल दें। आपने लीमू का फ्रेश रस लेना है। लीमू को दो हिस्सों में काट लें, एक हिस्से का रस निकाल के आटे में डालकर मिक्स कर दें, क्योंकि लीमू में मौजूद विटामिन सी और कुदरती ब्लीचिंग इफेक्ट आपकी सांवली रंगत को गोरी करेगा। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप चाहें तो लीमू के 2 से 3 ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपने खालिस हल्दी लेनी है। खालिस हल्दी हल्दी की गांठ ले लें, इसे आप खुद सुखाकर ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लें, इसका पाउडर बन जाएगा। खालिस हल्दी बाजार से आपको आसानी से मिल जाएगी। हल्दी आपकी स्किन से पिंपल्स खत्म करती है, हल्दी आपकी स्किन का कलर भी लाइट बनाती है। ये देखिए व्यूअर्स, हल्दी आपने लेनी है एक चुटकी। अब आटा, लीमू और हल्दी को मिक्स करें। और लास्ट में आपने फ्रेश एलोवेरा जेल डालनी है। एलोवेरा का टुकड़ा ले लें, इसे इस तरह से छीलकर इसके ऊपर वाली साइड्स को अलग कर दें। इसे एक प्याली में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप इसमें फ्रेश एलोवेरा का जेल डालें। एलोवेरा का जेल आपने इतना डालना है कि ये गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। एलोवेरा का आप चाहें तो एलोवेरा का पौधा नर्सरी से लाकर अपने घर में रख लें और हमेशा फ्रेश एलोवेरा यूज करें। एलोवेरा काटकर छीलकर फ्रेश गूदा निकालकर इसमें डालें। इस रेमेडी में फ्रेश एलोवेरा ही यूज होनी है। याद रखें, आपने बाजार की एलोवेरा नहीं लेनी। अगर आप बाजार की एलोवेरा लेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसको यूं अच्छी तरह मिक्स करें। अब इस पेस्ट को ब्रश की मदद से अपने हाथों पे और गर्दन पर अच्छी तरह लगाएं। इसका हल्का सा मसाज भी करें ताकि ये आपकी स्किन में जज्ब हो जाए। उसके बाद 20 मिनट तक इसे ऐसे ही लगा रहने दें, जब तक ये खुश्क नहीं हो जाता। जब ये खुश्क हो जाए तो इसे सादा पानी से वॉश करें, और जब आप स्किन वॉश कर रही हो तो आपने हल्का हल्का सा मसाज दोबारा करना है। इस तरह से स्किन स्क्रब भी होगी। चक्की के आटे में स्क्रब की खसूसियात भी मौजूद होती है। ये आपके चेहरे से डेड स्किन सेल्स का भी खात्मा करेगा, आपकी स्किन को निखारेगा। इसके बाद 2 घंटे तक आपने साबुन का इस्तेमाल नहीं करना। इस रेमेडी को आप हफ्ते में एक बार जरूर इस्तेमाल कर लिया करें।
इस रेमेडी को हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करने से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। गोरी रंगत हासिल करने के लिए आज ही इस रेमेडी का इस्तेमाल करके देखें, आप खुद हैरान रह जाएंगे। याद रखें, आपने हाथ या ब्रश की मदद से अपने चेहरे पर लगाना है और चाहे तो हाथों और गर्दन और पांव पर भी लगा सकते हैं। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बेस्ट रेमेडी अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक जरूर कर दें, भूलिएगा नहीं, लाइक जरूर कर दें। लाइक करने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।